इन दिनों टीवी इंडस्ट्री के कपल करण मेहरा और निशा रावल अपने बिगड़ते रिश्ते को लेकर काफी चर्चा में हैं। निशा ने करण पर मारपीट का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था और अब जल्दी इनका तलाक भी होने वाला है। हालांकि इस इंडस्ट्री के लिए तलाक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तलाक से पहले अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव सिर्फ करण ने ही नहीं किया बल्कि इंडस्ट्री के कई स्टार्स कर चुके हैं, जो अपनी पत्नियों को जानवरों की तरह पीट चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम दलजीत कौर और शालीन भनोट का भी है। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में फेमस हुई दलजीत को लोगों ने खूब पसंद किया था। बिग बॉस में भी दलजीत का असली चेहरा दिखा था। वो वाकई में दिल की बहुत साफ है, लेकिन वो अपने पति के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रख पाई। दलजीत का एक बेटा भी है और अब दलजीत का पति शालीन भनोट से तलाक भी हो चुका है। दलजीत ने भी पुलिस की मदद ली थी और बताया था कि शालीन ने उनके साथ क्या क्या अत्याचार किए थे। शालीन भी दलजीत को जानवरों की तरह मारते थे। अपने बेटे के लिए दलजीत ने अलग होने का फैसला कर लिया था क्योंकि इससे उनके बच्चे पर बुरा असर पड़ा था। आज दलजीत अपने बेटे के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही हैं। बीते साल नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया के बीच काफी बहस देखने को मिली थी। आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तलाक का नोटिस दिया था, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आलिया ने आरोप लगाया था कि नवाजुद्दीन उनके साथ जोर जबरदस्ती करके मारपीट करते हैं। वहीं ओमपुरी ने भी दो शादियां की थी, दोनों ही शादी उनकी नहीं चल पाई। दूसरी पति नंदिता पुरी ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया था कि ओम पुरी ने उन पर हाथ उठाया और बुरी तरह वो मारते थे। इनके अलावा श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली की तो जोड़ी अक्सर चर्चा में रहती है। ये जोड़ी अक्सर विवादों में घिरी रहती है। श्वेता कई दफा अभिनव पर आरोप लगा चुकी हैं कि अभिनव उनके साथ मारपीट कर चुके हैं। और इसके अलावा 1978 में संजय खान ने जीनत अमान संग दूसरी शादी की थी और एक साल के भीतर ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। इसके बाद जीनत ने संजय पर मारपीट का आरोप लगा दिया। पहले आप इन जोड़ियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। टीवी के नैतिक यानी करण मेहरा का असली रूप देखकर हर कोई शॉक्ड है। करण मेहरा अपनी पत्नी के साथ जानवरों की तरह बर्ताव करते थे। काफी वक्त से करण मेहरा निशा के साथ ऐसी हरकतें करते थे कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। जब अत्याचार बढ़ता ही चला गया तो निशा ने पुलिस का सहारा लिया और वो बातें बताई जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। करण की सच्चाई सामने आने के बाद करण ने ऐसी हैवानियां दिखाई कि उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। जी हाँ, करण किसी भी वक्त दोबारा जेल जाने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि करण ने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया है। पत्नी नहीं, अपने बेटे के साथ भी, क्योंकि निशा रावल ने एक एक बात क्लियर करके तलाक की बात कह दी है। निशा का कहना है कि वो कुछ भी हो जाए वो वापस उस घर में नहीं जाएंगी। निशा को पूरा यकीन है कि करण फिर से उनके साथ कुछ गलत करेंगे और इस बार निशा पुलिस तक पहुंच भी नहीं पाएंगी और उनका काम तमाम कर दिया जाएगा। निशा करण पर आरोप लगाकर एक रात नहीं काट पाई। करण ने उनके साथ जो किया वो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, निशा रावल ने ये भी बताया कि उन दोनों के बीच विवाद की असली वजह करण का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। निशा ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें निशा के सिर पर चोट लगी दिखाई दे रही है। वीडियो में बेहद परेशान नजर आ रही है। निशा ने बताया कि लंबे समय से उन्हें धोखा दिया जा रहा था, लेकिन उन्हें सच का पता अभी कुछ महीने पहले ही एक मैसेज के पढ़ने के बाद चला। साथ ही निशा ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने अपनी आंखों से करण को किसी महिला के साथ देखा था। निशा बहुत टाइम से अपने पति की इमेज बचा रही थी, लेकिन करण के रिश्ता रखने से मना करने के बाद अब बात तलाक तक पहुँच गई है। निशा ने कहा कि वो तलाक के लिए तैयार है, मगर फिर भी रिश्ते को बचाने के लिए जब उन्होंने प्रयास किया तो करण इससे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते दिखे। उनके मुताबिक करण बच्चे की जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहे थे। निशा ने कहा उसने बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जानवरों की तरह मारने लगता था, उनके साथ रात दिन मारपीट करता था। निशा ने मारपीट वाली हुई फोटोज भी दिखाई। उनकी बॉडी पर चोटों के निशान और सिर पर खून भी दिखाई दिया। निशा ने बताया कि 31 मई की रात को उन्होंने अपने रिश्ते के फ्यूचर को लेकर करण से बात करने की कोशिश की, लेकिन पहले तो
वो उठकर चले गए और बाद में वापस आकर उन्होंने उनका सिर पकड़कर दीवार में मार दिया, जिससे उनके सिर से खून भी निकलने लगा। निशा की मां ने तो करण ने उनका गला दबाने की पूरी कोशिश की। सारी घटना के बाद निशा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। फिलहाल इस पर करण का भी कोई भी बयान नहीं आया है। जल्द ही हम करण के बयान को भी उजागर करेंगे। आप भी इस कपल को लेकर अपनी राय जरूर दें। करण मेहरा देश दुनिया में फैली बीमारी से तो पहले ही परेशान थे और हाल ही में उन्होंने इस बीमारी और अपनी पत्नी को लेकर दर्द भी बयां किया था कि अब उन पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। करण मेहरा ने जो सपने में भी नहीं सोचा था वो उनके साथ हो गया। उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें इस वक्त जेल के चक्कर लगाने होंगे। जी हाँ, उनकी खुद की पत्नी निशा ने उन पर मारपीट का इल्जाम लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी थी, जिसके बाद उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उन्हें बेल मिल गई है और निशा और करण दोनों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। जी हाँ, दोनों मीडिया के सामने चुप्पी साधते नजर आए। निशा ने तो इस बात को अफवाह बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। निशा का कहना है कि उनका रिश्ता बिल्कुल ठीक है और कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब खबरें फालतू आ रही हैं। पता नहीं लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात तो यही है कि अगर निशा और करण के बीच सब कुछ ठीक है तो फिर करण को पुलिस ने गिरफ्तार किस केस में किया? क्या कोई दूसरा मैटर है? हो भी सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही करण ने अपनी बीमारी और पत्नी के बारे में दिल की बात शेयर की थी। करण ने कहा था कि इस बीमारी ने कई अपनों को खो दिया है। उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इस मुश्किल वक्त में करण का साथ सबसे ज्यादा उनकी पत्नी निशा ने दिया। करण ने खुद बताया कि उनकी पत्नी ने उनकी बहुत देखभाल की। अब भला ऐसा पति कैसे अपनी पत्नी को मार सकता है? और ये सब करण ने 8-10 दिन पहले ही कहा था। तो 8-10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि करण और निशा के बीच इतने रिश्ते खराब हो गए कि मामला पुलिस तक पहुंच गया और करण को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक पता नहीं चला कि किस मैटर में करण को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि करण और निशा के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो आप भी एक दिन सुन लेंगे इनकी तलाक की खबरें, क्योंकि खबरें अब ऐसी हैं कि इनका रिश्ता तलाक की राह पर पहुंच गया है। ऐसा ना हो कि करण को खुद निशा को घर से धक्के मार कर निकालना पड़े, क्योंकि कोई भी पति और खासकर ये टीवी एक्टर अपनी ऐसी बेइज्जती नहीं करा पाएंगे, क्योंकि निशा ने करण पर मार पीट का आरोप लगाया है। कोई पति ये सब कैसे सुन लेगा? कुछ तो बात है। फिलहाल तो दोनों के बयान का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में इस कपल की इस बयान से हलचल मची हुई है। इस खबर ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये कपल अपनी फैमिली में बहुत खुश था और अपने बेटे के साथ तो बहुत ही खुश था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस कपल की जिंदगी में ऐसा तूफान आ गया है? फिलहाल तो हर कोई करण और निशा के मुंह से इस मैटर के बारे में सुनना चाहता है। इनके बीच हुआ क्या है, कहां से ऐसी खबरें उड़ी? सबसे बड़ी बात, करण गिरफ्तार किस केस में हुए? अगर निशा नहीं तो फिर किस केस में गिरफ्तार हुए? बता दें, करण मेहरा और निशा रावल की मुलाकात साल 2008 में फिल्म हंसते हंसते के सेट पर हुई थी। उस फिल्म में करण मेहरा बतौर स्टाइलिस्ट काम कर रहे थे। एक्टर होने के साथ साथ करण मेहरा फैशन ग्रेजुएट भी हैं। निशा को देखते ही करण मेहरा को उन पर प्यार आ गया। कुछ सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और साल 2012 में इन्होंने शादी कर ली।